हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्लास 10 का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज डे 7 है और 8.2 ये एक्सरसाइज है, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो ऑलरेडी गिवन है कि वो ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि यस What happened to value of 10 theta when theta increases from 0 degree to 90 degree? Very simple. वो सिर्फ ये कहता है कि एक trigonometric ratio आपको given है 10 theta, जिसकी value आपको 0 से 90 तक रखनी है, जैसे टेबल में होती है। तो आप पहले theta की जो value है वो 0 रखेंगे। 10 0 क्या होता है आपको पता है कि 10 0 हमारा 0 होता है। तो ऐसे करके फिर आप 30 रखेंगे, फिर आप 45, 60, 90, ऐसे आप पांचों वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, कि यहाँ पर गिवन जो है वो है अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, और आपको इस जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक इक्वेशन बनाई हुई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है बेटा, कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी चैनल पर, कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, इसी तरह आप क्या करेंगे, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है आप उसको एक तरफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका साइन थीटा तो ऑलरेडी इस तरफ है, तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा इधर लिया है, तो कॉस थीटा यहाँ पर डिवाइड करेगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां जाके अंडर रूट 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाता है, 10 थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका 10 थीटा होता है, और ये किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 3 के। अब आपका देख रहे हैं कि सेग्रीगेट हो गया। अब आप क्या देखोगे कि 10 थीटा की टेबल में 1/√3 कब आता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर 10 थीटा की बात करते हैं तो 10 थीटा आपका 10:30 पे जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया और थीटा आपको पता चल गया कि थीटा क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से जहां पर भी अब आपकी थीटा की वैल्यू होगी वहां पर आपको क्या करना है, 30 डिग्री को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो साइन है, साइन आपका क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ पर 10 भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां थीटा है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब जगह 30 डिग्री को पुट कर दिया, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम ऑलरेडी डे 2 में डिस्कस कर चुकी हैं, जिसके लिंक ऑलरेडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप जाकर वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी कंटिन्यूटी बना सकते हैं कि आपके आगे चलने पे कोई डाउट ना आए। और जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेटा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा लेटेस्ट वीडियोस के बारे में और आपकी चैप्टर की कंटिन्यूटी क्या होगी, टूट जाएगी। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आपको पता है जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और 10:30 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हमें पता है 1/√3 होती है। यहाँ पर 1/1 हो गया, और cot 30 किसका होता है, 10:30 का उल्टा होता है, तो 10:30 हमारा 1/√3 है, तो cot 3 क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, फिर से 10:30 आ गया, तो ये 1/2 हो गया बेटा आपका, और यहाँ पर क्या हुआ आपका, 10:30 आ गया, 1/2 हो गया, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका न्यूमरेटर में क्या हो गया, 2/√3 हो गया बेटे, और आपका 1/√3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 हो गया और मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो नीचे आ गया 1/√3 और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब ये क्या, 1+√3 से 1+√3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आता है 1/√3 आपका आंसर है। क्लियर है, सिर्फ आपको पुट करनी है वैल्यू और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं तो आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके का है, इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है
विद एक आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है और आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, एक ट्रिक है, सिर्फ याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको गिवन है बेटा साइन थीटा जो है आपका, वो है आपका अंडर रूट थ्री कॉस थीटा है। क्या है? अंडर रूट थ्री कॉस थीटा है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा माइनस वन है और अपॉन में टेन थीटा प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आपका क्या है, जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा है, सेम चीज मैं अप्लाई करूंगी कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको मैंने एक तरफ ले लिया और जो आपके कॉन्स्टेंट है वो एक तरफ है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आ जाता है। अब थीटा जो टेन थीटा की ही टेबल में हमें देखना पड़ेगा कि अंडर रूट थ्री कहाँ आता है। तो अगर टेन थीटा की बात की जाए तो आपका जो टेन सिक्सटी होता है बेटा, टेन सिक्सटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी अंडर रूट थ्री, यहाँ पर आपकी अंडर रूट थ्री होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ टेन सिक्सटी, तो यहाँ से क्या हुआ, थीटा हमारे लिए क्या आ गया है, सिक्सटी डिग्री आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, थीटा की है। सेम जहां पर 60 डिग्री आया है तो जहां जहां थीटा होगा वहां पर हम क्या करेंगे, उस एंगल को 60 पुट कर देंगे। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है लेकिन एंगल तो सेम है तो वो हर एंगल 60 होगा। तो यहां पर क्या बेटा आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 10 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन में 10, आपके पास क्या है 10 60 डिग्री प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, आपको ऑलरेडी पता है 1060 आपका क्या है, अंडर रूट थ्री है, माइनस वन हो गया और अंडर रूट थ्री आपका प्लस वन हो गया। यहाँ पर बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन एज पर द मैथमेटिक्स रूल्स ये बोलता है कि जब आपका डिनोमिनेटर में कहीं पर भी कोई भी रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इन दैट कंडीशन आपको क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको रिमूव करना होता है और उसके बाद ही आपको आंसर देना होता है। अगर न्यूमरेटर में आप छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, आपके कोई नंबर कट नहीं डिडक्ट किए जाएंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको हटाना आपके लिए कंपलसरी है। तो इन दैट कंडीशन आप क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पर आप रेसिप्रोकल करते हैं अपोजिट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से ही हटाना है। तो डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है, जो भी नंबर दिया है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिया हुआ है, जो है वो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो डिनोमिनेटर से है। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, माइनस थ्री अंडर रूट माइनस थ्री से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप रीजन देखेंगे कि ऐसा करने का रीजन क्या होता है कि ऊपर आपका अंडर रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। हमारा मेन मोटिव होता है कि स्क्वायर हटाना, और स्क्वायर कब हटता है, जब आपका किसी भी अंडर रूट का स्क्वायरिंग हो जाती है, तो ये आपका मेन मोटिव रहता है। तो ऊपर आप फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री हो गया, प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस टू अंडर रूट थ्री हो गया, और नीचे बेटा आपका आ जाता है थ्री माइनस टू आ जाता है, सॉरी वन आ जाता है ना, वन का स्क्वायर तो वन होता है, तो यहाँ पर हो जाता है फोर माइनस टू अंडर रूट थ्री बाय टू। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका टू माइनस वन अंडर रूट थ्री बाय टू हो जाता है, जिससे टू से टू कैंसिल किया और आपका आंसर होता है टू माइनस अंडर रूट थ्री, ये आपका फाइनल आंसर होता है। अगर आप यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे तो आपका एक या डेढ़ नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको पहुंचना है और अपना आंसर देना है। कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी यूज होने वाला है, तो शॉर्टकट अपनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।